सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द ट्रेड स्किल्स। आज की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैंने जो आपको कहा था वो चीज़ आज मार्केट में हुई है। मैंने आपको कहा था 19,580 के ऊपर अगर आपको मार्केट देखें, मार्केट बेसिकली आज हुआ क्या, आज मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, फिर मार्केट हल्का डाउन हुआ है वापस अराउंड 580-585 के लेवल के आसपास। मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करी और मार्केट वहीं से रिवर्स होकर हमें अराउंड 70-80 पॉइंट आज हमें मार्केट ने टारगेट दिए हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कल मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकता है। बेसिकली अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है, आ जाते हैं उस चीज़ में। तो फ्रेंड्स, पहले अगर आप देख रहे हो, मैंने आपको वीकली शॉर्ट पे लेके आऊँ, तो वीकली शॉर्ट का अगर मैं आपको बताऊँ वीकली शॉर्ट में हो क्या रहा है। देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट ऐसे अप मूव, फिर ऐसे हल्का से डाउन, और अब मार्केट हो सकता है ऐसे ऊपर जाने की वापस मार्केट कोशिश करे। और जो कि आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप बेसिकली इस कैंडल को देख रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा कितनी हैवी सेलिंग आई थी फ्रेंड्स इस यहाँ पे। और इस जोन से वापस अगर आप देखें तो मार्केट इतना ऊपर गया है और यहाँ पे मार्केट ने आज एक हैमर टाइप की फॉर्मेशन करी है। अब देख लेते हैं मार्केट आगे वाले दिनों में क्या कर सकता है। तो अब आपको डे टाइम फ्रेम पे पहले मैं लेके आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें बता दूँ, ठीक है। अब अगर आप डे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डे टाइम फ्रेम पे अगर आप फ्रेंड्स देख रहे हो, ठीक है, ये मार्केट ऊपर गया था, फिर फॉल, फिर ऊपर, फिर फॉल। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो दो दिन ये जो गैप अप ओपन हुआ है ना, हैवी गैप अप ओपनिंग, तो ये ऐसे ही नॉर्मल नहीं है। अब ये नॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इतनी हैवी गैप अप हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे बाइंग बहुत तगड़ी हो रही है और यहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे होंगे, जो कि मार्केट को लगातार दो दिन से गैप अप ओपन करवा रहे हैं और क्लोज भी बहुत अच्छा हो रहा है मार्केट। अब अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़े लेवल्स बताऊँ कि मार्केट क्या कर सकता है, तो आप देखिए यहाँ पे देखो, अगर आप देखो अराउंड ये आपका लेवल रहेगा 678। यहाँ देखो, अब ये जो 678 का आपका लेवल था, ये देखो इस कैंडल का आप हाई देख सकते हो एंड आप सेम कैंडल का, तो 678 से ही मार्केट वापस से रिवर्स होता हुआ हमें दिखा आज, ठीक है। 675-678 वही था, तो मार्केट इस लेवल से रिवर्स होता हुआ दिखा, इस वजह से हमने आपको यहाँ तक के टारगेट दिए थे। हमने बेसिकली हमारा टारगेट यही था और मार्केट वहीं से आज वापस से थोड़ा सा फिर नीचे भी आया। अब देख लेते हैं मार्केट आगे जाके क्या कर सकता है। तो अगर मार्केट फ्रेंड्स आपको अगर मैं बोलूं, आपको अराउंड 715 के ऊपर अगर आपको मार्केट जाता हुआ दिखे, मतलब बेसिकली इस कैंडल का अगर लो देखें तो कितना दिख रहा है आपको, 716 का आपको लो दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट आपको क्या हुआ मंडे की अगर मैं बात करूँ, आपको 715 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग होता हुआ दिखे, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सेव करना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अराउंड 728 का लेवल आपका रहेगा। वैसे यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट का एटलीस्ट कुछ नहीं 70-75 पॉइंट और ऊपर जाना होगा, फिर आपको मूव मिलेगा। बट इतना ही कि अगर 728 के ऊपर आपको मार्केट जाता हुआ दिखे, 19728 के ऊपर, तो आपको 800 तक के टारगेट बहुत ईजिली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर एक और चीज़ आप नोट करना कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड अराउंड इस लेवल के आसपास अगर घूमने लग जाए मार्केट, मतलब यहाँ से वापस हुआ क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको लेके जाऊँ, ठीक है, मैं आपको बेसिकली बोल कह रहा हूँ वो आप समझिए, ठीक है। तो अगर मार्केट अराउंड इस जोन के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, और तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि मार्केट अगर इसको तोड़ दे तो फिर आप यहाँ पे कॉल की ट्रेड बना सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ। मतलब अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो बाय द वे, तो आप 5 लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हो इजीली। अदरवाइज आप बाकी के 5 लॉट यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल वापस एटलीस्ट इस जोन तक के लिए रखिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट मंडे के दिन आपको ज़्यादा कोई खास मोमेंट ना दिखाए। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, हो सकता है मार्केट आपको कोई मंडे को ज़्यादा कोई ऐसी खास मोमेंट ना दिखे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप बेसिकली आ जाते हैं तो आपने अगर ये ट्रेंड लाइन देखी होगी, देखो, तो मार्केट अराउंड आज जो घूमा है मार्केट सेम जोन से वापस से घूमा है, इसका ब्रेकआउट भी हमें देखना पड़ेगा और साथ ही हम ये स्विंग का टूटने का वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्विंग टूटता है तो हमें एटलीस्ट कुछ नहीं, यहाँ से हमें 70-80 पॉइंट का बहुत ईजिली टारगेट देखने को मिल जाएगा। इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ कही कि आपके थोड़ा स्विंग टूटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं मार्केट इफ़ गैप अप ओपन ना हो तो, या फिर मार्केट फ्लैट खुले, तो फ्लैट खुले तो फ्लैट के लिए आपके लिए मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि पुट साइड अगर मार्केट क्या करे, तो बेसिकली पुट साइड के लिए वैसे अभी एज सच कोई मेरी ट्रेड नहीं बन रही है, मैं इतना ईजिली पुट साइड का नहीं देखूंगा। बट अगर मार्केट हुआ क्या, मार्केट अराउंड अगर 560 का अराउंड मेरा लेवल रहेगा, 560-65 का, अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है तो, मतलब अगर मैं आपको क्या बोलूँ, बेसिकली अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप सिंह भाई 5 मिनट का चार्ट आपको लेकर, अगर मार्केट, ठीक है, प्रीवियस डे का जो हमारा हाई है, अगर मार्केट वो तोड़ के वापस नीचे जाने लगे तो वहाँ पर आप एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, मतलब आप पुट की ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर फिर आप क्या, अगर मैं टारगेट्स बोलूं तो आप बेसिकली वहां से कुछ नहीं, एटलीस्ट 90-100 पॉइंट तक आप एक फॉल वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मेजर जो कंडीशन रहेगी वो हो सकता है कि मार्केट ये जो जोन है, अगर आप ये देखें अराउंड कितने पॉइंट का जोन बन रहा है आपका, देखो
हो सकता है मार्केट ये देखो 150 पॉइंट का जोन बन रहा है, हो सकता है मार्केट इस 150 पॉइंट के जोन के अंदर ही परसों ट्रेड करें। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है आपके लिए, बेसिकली ये दो लेवल काफ़ी क्रूशल रहेंगे। ऊपर साइड के लिए अगर आप देखें तो आपका ये जोन टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो फिर मार्केट यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी मेरे को रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिख सकता है। वहीं मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट, वैसे मैंने आपको दे दिया पुट साइड के लिए, बट मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट इस जोन के नीचे निकले ना, मतलब अगर मैं आज के लो की बात करूँ जो अराउंड आपका 600 पॉइंट के आसपास बन रहा था 19600 के आसपास, तो मार्केट या फिर 19900 590 के आसपास, तो मार्केट इसके नीचे ना जाए, मैक्सिमम केस चांसेस हैं इस चीज़ के। सो यही है फ्रेंड्स निफ्टी पे मेरा व्यू। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और बाकी अगर मैं लाइव आता हूँ तो मैं आपको लाइव ट्रेड दे दूंगा, जैसे कि अगर मैं आज की भी बात करूँ तो हमने अराउंड यहाँ पे एक बाई की ट्रेड ली थी, हमें अराउंड अच्छा टारगेट मिल गए थे उसमें 40 पॉइंट तक के। दूसरी ट्रेड हमने यहाँ पे ली थी उसमें भी हमें अराउंड सेम 40-45 पॉइंट मिल गए थे आज बहुत ईजिली कॉल की ट्रेड में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।